द रेटेड आर सुपरस्टार एज को रिमूव कर दिया गया है WWE की रोस्टर लिस्ट से। जानेंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। प्लस में क्या जेड कारगिल आने वाली हैं NXT में। प्लस में LA नाइट की हेल्थ और रिटर्न दोनों अपडेट मिली है। इसके अलावा कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, रूमर्स, रेसलिंग शो रिव्यूज देखने को मिलते रहेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं LA नाइट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द PW इनसाइडर, LA नाइट जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कल होने वाली स्मैकडाउन पे अपीयर होने के लिए। और अगर वो अपीयर होते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन में, तो हमें हिंट देखने को मिल सकते हैं कि जॉन सिना और LA नाइट टीम अप करेंगे अगेंस्ट द ब्लड लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं WWE NXT के नो मर्सी के बाद के पेपर व्यू के बारे में। तो NXT नो मर्सी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शॉन माइकल्स ने रिवील किया कि नो मर्सी के बाद NXT का नेक्स्ट पेपर व्यू होगा NXT डेडलाइन, और ये होगा 9 दिसंबर को ब्रिजपोर्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ओरिजिनल ब्रो मैट रिडल के बारे में। तो मैट रिडल हाल ही में WWE से रिलीज़ किए गए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये फोटो पोस्ट करी है जिसमें लिखा है रिडल OG, जो कि किसी चीज़ के लोगो की तरह लग रहा है। और उन्होंने साथ ही साथ कैप्शन में लिखा है कमिंग सून। इससे ये अपडेट मिल चुकी है कि मैट रिडल द्वारा कुछ बिग थिंग्स आने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में। तो WWE ने कुछ चीज़ें ऑफिशियल की हुई हैं कल के लिए, जिसमें पहली है कि हमें देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप के लिए मैच रे मिस्टीरियो और सेंटोस एस्कोबार के बीच। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेली के बीच मैच। साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा ग्रेसन वॉलर का शो द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, जिसमें स्पेशल गेस्ट होंगे द ऑलमाइटी बॉबी लैशली। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है अबाउट जेड कारगिल। तो जेड कारगिल से रिसेंटली एक पॉडकास्ट में पूछा जाता है कि उनकी WWE डेस्टिनेशन के बारे में। इसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये तो ओनर्स का डिसीजन होगा, अगर वो मुझे NXT में भी भेजेंगे तो मैं वहाँ पे प्रूव करूँगी कि why I am जेड कारगिल एंड why am where I am। और इससे वो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रही है उनके WWE रन को लेके। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में जेड कारगिल को WWE किस शो में लाती है, रो में, स्मैकडाउन में या NXT में। बाय द वे, आप जेड कारगिल को किस शो में देखना चाहोगे हमें कमेंट्स में बताओ। सो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है द रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि WWE ने एज को रिमूव कर दिया है एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट से और उन्हें ऐड कर दिया गया है मिसलेनियस लिस्ट में, जिसमें वो रखते हैं इंजर्ड और इनएक्टिव सुपरस्टार्स को। लेकिन अब WWE ने एज को मिसलेनियस लिस्ट से भी रिमूव कर दिया गया है। हालांकि अभी एज WWE की पब्लिक रोस्टर की लिस्ट में है। इसके अलावा एज का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ अक्टूबर 1 को एंड हो जाएगा, तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एज अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाते हैं WWE से या नहीं। लेकिन जिस तरीके से एज को धीरे धीरे करके रिमूव किया जा रहा है लिस्ट से, ऐसा लग रहा है कि एज और WWE आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। खैर, इस बात के लिए तो हमें वेट करना होगा अक्टूबर 1 का। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, रूमर्स, रेसलिंग शो रिव्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।